आज के हमारे इस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। हमने लास्ट क्लास में कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि कस्टम फॉर्मेटिंग किस तरह से वर्क करता है, किस तरह के कोड्स लगाएंगे तो कौन से कोड से क्या रिफ्लेक्ट होता है और बाकी सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फॉर्मेटिंग के चैप्टर चल रहा है, तो हमने नॉर्मल फॉर्मेटिंग भी कर ली थी, हमने फॉन्ट अलाइनमेंट एंड नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, और साथ में मैंने आपको एक फाइल दी थी, एक एक होमवर्क दिया था कि एक फॉर्म बनाना था। बट आपके कोई फॉर्म रिसीव नहीं हुआ सर। जी मैं बना नहीं पाया था फॉर्म। तो हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि हम नॉर्मल फॉर्मेटिंग में क्या किया, हमने सिलेक्ट किया और फॉर्मेट कर दिया, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जो है हाईलाइट करेंगे अपने अकॉर्ड। हम जो भी डेटा हाईलाइट करेंगे उसको हम अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट करेंगे। ये एक कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास डेटा है, अब मैं इस डेटा के अंदर में जैसे नंबर हमारे पास कनेक्शन 100 सिटीज करके आ रहा है, उसमें से मैं देखता हूं कि मोर देन 100 कौन कौन से है। अब मैं सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट में गए और यहां पे हमने ग्रेटर देन 100 कर। अब मोर इसमें क्या है, मोर देन 100 कौन सा है, तो हाईलाइट हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि चलो हमने हाईलाइट तो किया, लेकिन इसका जरूरत क्या है, हम क्यों हाईलाइट करें। हम हाईलाइट करें तो करेंगे, तो बेसिकली मान लीजिए कि आप एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा आप अपने टीम मेंबर को दे रहे हैं या किसी स्टेक को दे रहे हैं। अब उस डेटा को देखने का पर्पस है कि 100 वाले को आइडेंटिफाई कर, तो उसको 100 ढूंढना पड़ेगा या फिर वो चाहेगा तो देखेगा। तो अगर आप किसी को अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी मेल भेजते हो और आप चाहते हो कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको देखना ही है, जैसे कि आप लोगों की बुक वगैरह पढ़ते हैं उसमें हेडिंग्स या कुछ ऐसे वर्ड हाईलाइट होते हैं, बोल्ड होता है। वो बोल्ड क्यों होता है, बोल्ड इसलिए होता है ताकि इंपॉर्टेंट आप इसको जरूर से जरूर बढ़े। से मुझे तो ऐसे हम अपने डेटा में फीचर्स अपने पर्टिकुलर सेल्स को हम हाईलाइट इसलिए करते हैं ताकि आप जरूर से जरूर उसको देखें। तो लगाने का तरीका सिंपल है, आप जब पहले जिस एरिया को उस एरिया को सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए। कंडीशन फॉर्मेटिंग में कई सारे कैटेगरीज है, इसमें सबसे पहला कैटेगरीज है हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसको सिलेक्ट करें और यहां पे आप करें ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में मैं यहां पे 100 सिलेक्ट कर, तो डिफॉल्ट कलर हो गया। आप यहां से विथ के बगल में ड्रॉप डाउन है, इससे अपनी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसको येलो फिल कर दूंगा, या मैं इसको ग्रीन फिल कर दूं, या इसको राइट रेड फिल कर दूं, या रेड टेक्स्ट कर दूं, या इनमें से कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम अपना चाहिए तो मैं कस्टम बॉर्डर फॉर्मेट पे जाऊंगा। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद हम अपने इस हिसाब से जो फॉर्मेटिंग करना चाहे वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और वही हमारा हाईलाइट। मैं इसको स्केप कर देता हूँ, अप्लाई नहीं करता। तो इसी तरह से मेरे पास ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है रजनीकांत जी एंड श्रीनाथ कार्तिक जी? हाँ, नो डाउट नहीं है। अब इसमें एक चीज आता है, इसमें आप जो है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में क्या क्या डाल सकते हैं, डेट, टेक्स्ट एंड टाइम। जैसे डेट, टाइम एंड डेट, टेक्स्ट नहीं डाल सकते। जैसे कि आप, आपके पास सामने कोई डेट है तो कोई डेट आप डाल सकते हैं, तो डेट नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं इसका डेट यहाँ पर देता हूँ। तो मुझे अगर पर्टिकुलर डेट हाईलाइट करना है तो मैं यहां से
ग्रेटर देन कि मैं इस डेट के बाद चाहिए, मैं चाहता हूं कि 21 अप्रैल के बाद चाहिए, तो 21 एपीआर डाली उसके बाद का डेटा हाईलाइट हो गया और टाइमर। इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं आप, इक्वल टू है इसमें आप हर कुछ डाल सकते हैं, एग्जैक्ट सेल पैन जैसे मुझे हाईलाइट करना है इंडिया, तो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इक्वल टू में गया और यहाँ पे इंडिया डाल दिया, तो मेरा इंडिया हाईलाइट हो गया। तो यहां पे हमने इंडिया दिया, इंडिया इट मीन्स एग्जैक्ट इंडिया ही होगा। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 95.15 करूं तो इक्वल टू में आप 90 डालेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा, नाइन एग्जैक्ट सेल वैल्यू आपको डालना होगा तभी वो हाईलाइट होगा। तो इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू के लिए होता है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे यहां पे इंडिया डाला हुआ है और कहीं पे डाला हुआ है इंडियन रिपब्लिक, क्योंकि इंडिया का एक्चुअल नाम तो इंडियन रिपब्लिक है ना, अब इसमें क्या है कि मैं अगर इंडिया हाईलाइट करता हूं इक्वल टू में तो मेरा इंडिया हाईलाइट होगा, इंडियन रिपब्लिक हाईलाइट नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया डालू तो इंडिया और इंडियन रिपब्लिक दोनों हाईलाइट होनी चाहिए, तो यहां पे हम इक्वल टू नहीं, यहां पे हम करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन। क्या बोलना है सर? नथिंग कुछ नहीं, मैंने आपको म्यूट कर दिया है, तो पूछना होगा तो अपने नाम का आगे माइक सिंबल से अनम्यूट करके पूछ सकते। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट दैट कंटेन में गया और यहाँ पे मैंने इंडिया डाल दिया, तो इंडिया जहां भी होगा चाहे इंडिया सेल्फ हो या इंडियन रिपब्लिक हो या कुछ भी, इसमें इंडिया लगाना चाहिए चाहे फर्स्ट में लास्ट में या मिड में, वो हाईलाइट कर एक कंट्रोल एस की तरह काम करता है, एक कंटेन होता है, तो उसी के हिसाब से आपका वर्क करेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे अगला वार आता है डेट ऑफरिंग। जैसे कि हमने बोला कि हमने एग्जैक्ट डेट यहां से किया, हमने इक्वल टू किया,
अब यहाँ पे हम इक्वल टू हमारा दिख रहा आपको, तो यहाँ पे आप जो है जून के जगह पे मैं यहाँ पे अगर कुछ डालता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया 22 मार्च, तो 22 मार्च फिक्स हो गया। मैं चाहता हूं कि मेरा सिस्टम डेट चले, मैं चाहता हूं आज की रेट या कल की रेट हाईलाइट हो, जब भी मैं खोलू तो मेरा आज का रेट हाईलाइट होना चाहिए। तो उस केस में मैं यहां पे आऊंगा एज अ डेट ऑकरिंग। यहां पे देखिए स्टडे का डेट आपको हाईलाइट दिख रहा है, यहां पे 22 तारीख टुडे करूंगा तो एक मिनट में थोड़ा सा नीचे करता हूं। तो यहां पे डेट ऑकरिंग में आपको ऑप्शंस होते हैं कि आप टुडे आज की डेट, टुमारो कल की डेट, इन द लास्ट 7 डेज, द नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ये आपका हाईलाइट होगा। और ये हमेशा आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा। सिस्टम डेट आपका चेंज होगा तो ये भी अपना चेंज करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि अगर मान लीजिए मैंने टुडे कर दिया तो आज हमारा 23 सितंबर हाईलाइट है, क्योंकि जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, मतलब कि कल के डेट ओपन करूंगा, कल मेरा सिस्टम डेट 23 से 24 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 24। सब नेक 25-26 इस तरह से चलेगा। ये डेट ऑफिंग समझ में आ गया आपको? अगर आता है दुबकी, अगर सिलेक्टेड सेल के अंदर में कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट अगर मोर देन वन टाइम है उसको हाईलाइट कर सकते, या फिर किसी टाइप करना, मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर टाइप करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट जो है हमारा अगर बिल्कुल डुप्लीकेट हो तो मुझे पता चल जाए, तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कर दी। अब जैसे कि मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा 8802579388 और फिर नीचे कहीं भी इसी नंबर को मैंने रिपीट किया तो एंटर मारते दोनों हाईलाइट हुए। ठीक है, अगर नंबर 3 बार हुआ, 3 बार हाईलाइट, 3 बार हाईलाइट हुआ, तो कोई भी सेल वैल्यू, नॉट नंबर से नॉट टेक्स्ट, किसी भी तरह के सेल वैल्यू अगर रिपीट होती है तो हाईलाइट हुआ। आगे चल के इसमें हम एडवांस चीजें भी करेंगे। तो हमने हाईलाइट एंड सुब्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू को कवर कर लिया। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। श्रीकांत जी, कार्तिक जी और रजनीकांत जी, कोई डाउट इसमें? नहीं जी, नहीं। अब इसमें अगला, क्योंकि अभी देखिए इसका बेसिक पार्ट हम कवर कर रहे हैं, कल इसका एडवांस पार्ट कवर करेंगे। अब इसलिए मान लीजिए मुझे अगर टॉप पर हाईलाइट करना है, मुझे टॉप 5 हाईलाइट करने हैं, टॉप 10 हाईलाइट करने हैं, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और टॉप 10 में देखिए टॉप 10 हमारा हाईलाइट हो गया। टॉप 5 करूंगा तो हमारा टॉप 5 हाईलाइट हो जाएगा। तो जो भी हम हाईलाइट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन एक ही नंबर अगर 2 बार रिपीट हुआ दोनों हाईलाइट होगा। ऐसे अगर मुझे बॉटम में सबसे छोटा 10 चाहिए तो बॉटम 10 करेंगे तो सबसे छोटा हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं टॉप 10% एंड बॉटम 10% करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए परसेंटेज क्या है, एक परसेंटाइल फॉर्मूले से अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। तो पहले हमें परसेंटाइल फॉर्मूले को समझना होगा,
फिर इसके आगे हम बात करें। क्लियर सर? चलिए अब आता अबव एवरेज। अब जैसे कि वर्ल्ड की नंबर ऑफ फोन नंबर्स हैं, तो एवरेज पर कंट्री का नंबर क्या है? एवरेज आपका पर कंट्री का नंबर है 1792 एक बढ़ सकता है घट सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एवरेज से ऊपर वाले हाईलाइट हो जाए तो आप यहाँ पे अबव एवरेज करेंगे, तो एवरेज से जो ऊपर वाले हैं वो आपके यहाँ हाईलाइट हो जाएंगे। और इसी में हमारे पास आता है बिलो एवरेज, एवरेज से जो बिलो होगा उसको हाईलाइट करना। तो अबव एवरेज इससे ऊपर एंड बिलो एवरेज इससे नीचे हाईलाइट करना। ठीक है? तो ये आपका टॉप बटन। अब आपका डेटा बार, इसमें बार क्रिएट करता है ताकि पता चलता है कौन सा वर्ल्ड का क्या पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग है फिल होता है। जैसे कि अगर मैं अगर कोई नंबर अलग देखूं, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने जैसे जैसे बार देखिए भर रहा है मेरा, उस तरह से हमारा यहाँ पे भर रहा है। ठीक है? और जैसे बार यहां घटेगा घटेगा। तो बार से क्या पता चल रहा है कि इसका पूरे कॉलम में क्या पोजीशन है, पूरे कॉलम में क्या पोजीशन है ये पता चलता है। ठीक है? ओके। और यहां पे कलर स्केल है, तो स्केल भी इसी तरह करता है, लोअर टू हायर, तो रेड टू ग्रीन जाता है। तो जो लोअर है वो उस पर ज्यादा ग्रीन है, रेड है, हायर में ग्रीन है। जितना ज्यादा ग्रीन है उतना ज्यादा हायर है। देखिए सर कंफ्यूजन हो सकती है, तो सिंपल सा हमारे पास आइकन है जो कि बताता है बिलो मिडल अपर, बिलो मिडल अपर, सिंपल सा बता देता है। इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक और तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू। क्वार्टर वन में मेरा 50 सेल हुआ, 32 सेल हुआ है, और क्वार्टर टू में मेरा 34 सेल हुआ। तो किसमें ज्यादा सेल हुआ है, तो यहाँ पे ग्रोथ निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसी को सिलेक्ट करें और आइकन सेट में हमने दे दिया। अब 32 अगर 35 बन जाता है तो स्विच हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग डैशबोर्ड वगैरह में बड़ी आसानी से करते हैं। यहाँ पे सिर्फ डैशबोर्ड भी नहीं, इसमें और भी चीजें हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कंट्री लिस्ट है ना, इस कंट्री लिस्ट को बताओ और यहाँ पेस्ट करो और यहाँ पे मैं पॉल्यूशन स्केल देता हूं। तो पॉल्यूशन स्केल के लिए हम यहाँ पे रैम मेट्रिक का फॉर्मूला लगा देते हैं।
अब इसमें क्या है कि जिसकी स्केल ग्रेटर देन 60 है वो ओके, और जो 40 to 60 के बीच में है उसको हमें एक उस पर विचार करना होगा, रीटेस्ट करना होगा उसको, हो सकता है उस समय ज्यादा पॉपुलेशन हो, पॉल्यूशन हो, और ग्रेटर देन 40 वाले को हम यहां बोलेंगे कि इसकी ये फेल है, मतलब इस कंट्री में हमारा प्रोडक्ट हम लॉन्च नहीं करेंगे, इस कंट्री के लिए विचार दोबारा टेस्ट करके आएंगे क्योंकि हो सकता है उसमें पॉल्यूशन रेट ज्यादा हो, और ए आपका ग्रेटर देन 60 है मतलब कि पॉल्यूशन रेट में सक्सेस है। अब ये चीज मुझे यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे इफ फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, इफ फॉर्मूला हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे आएंगे और आइकन सेट पे जाएंगे और ये जो टिक मार्क का निशान है इसको ले, तो इसका मतलब वह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, 2, 1 ताकि पता चले कि कौन किसके लिए है, इसके भी मैं आइकन सेट देता हूँ। तो ए टिक का निशान मतलब कि ओके, एक दूसरे में रिटेस्ट क्रॉस है, लेकिन मेरे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये अपना कोई कंडीशन ले रखा है, तो हमें इसको एडिट करना हो, तो मैनेज टूल में जाना है, आइकन सेट पे डबल क्लिक कर, यहाँ देखिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, 67% परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है परसेंटेज। तो मैंने क्या किया कि जो हाँ परसेंटेज था सबसे पहले उसको तो नंबर किया, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा 60 और यहां लिखा 40, तो 60 से ऊपर में ए निशान देगा, 40 से 60 में ए मार्क देगा और लेस देन 40 में क्रॉस मार्क। ओके अप्लाई। तो कार्तिक जी अरजीत खान जी समझ में आया आपको? हाँ समझ में आ गया, डाउट नहीं है। इसी तरह से और भी इसके इस्तेमाल होंगे वो हम आपको अगली क्लासेस में बताएंगे। तो अभी इसमें जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कराया ये मोस्ट यूजेस कमांड कराया है, पूरा नहीं है सर, ये मोस्ट यूजेस कमांड है। आप देखेंगे कि हाईलाइट में आपको ग्रेटर देन है बट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू नहीं, टेक्स्ट देन कंटेंट में कंटेन है, स्टार्ट विद एंड विद नहीं है, इसमें डुप्लीकेट है बट यूनिक नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें मिलेगा मोर रूल्स या न्यू रूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर चीजें हैं इसमें हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि आप इन सबों की पहले प्रैक्टिस करें, क्या रजनीकांत जी सही रहेगा ना? हाँ, तो आप पहले इन सबों की प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको डाउट वगैरह छोटे मोटे होंगे तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगा तो कल की क्लास में पूछ लीजिएगा, और हम okay. कल मिलते हैं और कल पे इसी चीज के आगे हम डिस्कशन करेंगे। ओके तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। और कार्तिक जी बाकी डिस्कशन के लिए मुझे फोन कर लीजिए। हाँ ठीक है।